24 आपके साथ मैं हूं नाज़नीन नकवी। शुरुआत करेंगे बैतूल से खबर, जहां एडीजी महेंद्र त्रिपाठी और उनके बेटे की मौत का खुलासा हुआ। 26 जुलाई को संदिग्ध फूड प्वाइजनिंग से मौत हुई थी। बता दें कि परिचित महिला संध्या सिंह समेत 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए। तो परिवार में कलह कलेश सुधारने के लिए तंत्र मंत्र वाला आटा दिया गया था और इसी को खाने के चलते फूड प्वाइजनिंग का शिकार हुए थे। बताया जा रहा है कि जहर मिलाकर आटे में दिया गया था, जिसके चलते मौत हुई। संवाददाता अतिन हमारे साथ जुड़ गए। अतिन, जानना चाहेंगे क्या कुछ और खुलासा हुआ है? जी, एडीजी महेंद्र त्रिपाठी और उनके बड़े बेटे की मौत की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। 26 तारीख को एडीजी और उनके बड़े बेटे की फूड पॉइजनिंग से मौत हुई थी, जिसके बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई थी। इस मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि जो महिला मित्र है एडीजी की संपर्क में, उसने ही ये पूरी साजिश रची थी और उसने उसके समेत छह लोगों ने मिलकर इस पूरी घटना को अंजाम दिया था, जिसमें तंत्र मंत्र के नाम पर एक आटा दिया गया था, जिसे घर के आटे में मिलाया गया था और उसको खाने के बाद अचानक फूड पॉइजनिंग से तबीयत बिगड़ी और इलाज के दौरान एडीजे और उनके बड़े बेटे की मौत हो गई थी। इस पूरे घटना में जो विवाद की स्थिति महिला और एडीजे के बीच बनी थी, वो रुपए के लेन देन को लेकर भी थी। इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं। हालांकि पुलिस अब पूरे मामले में विस्तृत जांच कर रही है। शुक्रिया। तो इस मामले में रुपयों के लेन देन की भी बात सामने आ रही है, हालांकि पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। आटे में जहर मिलाकर दिया गया था और इसी के खाने की वजह से एडीजी महेंद्र त्रिपाठी और उनके बड़े बेटे की मौत हुई। और अगली खबर